ज यूट्यूब चैनल दैट इस आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है और वो गुड न्यूज़ ये है कि जो हिमाचल प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं वहाँ पर काफ़ी सारी वेकेंसीज आई हैं आपकी फॉरेंसिक साइंस लैब में एंड ये वेकेंसीज जो आपकी निकाली गई हैं ये एच पी एस एस सी के थ्रू आई हैं दैट मीन्स हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ठीक है so, सो इसके थ्रू ये वैकेंसीज निकाली गई हैं एंड यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं फोरेंसिक साइंस लैब में एंड यहाँ पर बेसिकली आपकी लैब असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट इस तरह से बहुत सारी वैकेंसीज हैं अलग अलग डिवीजन में तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसीज हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है एंड क्या आपकी क्वालिफिकेशनस रहने वाली हैं ठीक है तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे तो उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर देंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के वीडियो को एंड यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसीज आई हुई है सो so, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये एच की पूरा एक पोर्टल है ये पूरी की पूरी पी आई हुई है सो so, यहाँ पर आपके सामने जो स्टार्टिंग है ओपनिंग डेट थी वो ट्वेंटी सितंबर थी एंड जो लास्ट डेट थी वो ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर थी तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अब इनके बारे में क्यों बता रही हूँ सो so, इसमें क्या हुआ है ये जो इनकी लास्ट डेट है जो ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर थी ये अब एक्सटेंड हो गई है और एक्सटेंड होकर ये हो गई है थर्टी फिफ्थ थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ठीक है तो ये लास्ट डेट आपकी एक्सटेंड हो गई है तो आप इन पोस्ट के लिए थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर तक इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड इनके बारे में मुझे अभी रिसेंटली ही पता चला है इसके लिए मैं अब जाके इसका ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ठीक है तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि लास्ट डेट आपकी ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर थी जो कि जा चुकी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लास्ट डेट आपकी एक्सटेंड हो चुकी है और वो लास्ट डेट है आपकी थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये क्या वैकेंसीज हैं क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है किस तरह से एप्लीकेशन होगा सो so यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है जो आपका एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ऑफलाइन प्रोसीजर नहीं होने वाला है इसके अलावा यहाँ पर आप सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसीज़ हैं उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये यह बता दूँ जब आप एप्लीकेशन अपना डाउनलोड uh, कर लेंगे अपना पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट कर देंगे उसके बाद में जो डाउनलोडेड कॉपी होंगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो आपको आपके पास बहुत ही संभाल के रख लेना होगा क्योंकि जब आपका रिटर्न टेस्ट हो जाएगा उसके बाद में आपको आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होंगे उनके साथ में आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा उसकी एक कॉपी को भी लेके जाना होगा ये सेल्फ़ अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी एंड ये सारी की सारी बेसिकली आपकी जीरोक्स कॉपीज़ होंगी इनके बेसिस पर आपकी फ़िफ्टीन मार्क्स रहेंगे इसमें आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा उसके अलावा जो फिफ्टीन मार्क्स होंगे वो आपके ये सर्टिफिकेट्स के ही होंगे इस वजह से जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको बहुत ही केयरफुली आपको संभाल के रखना होगा ठीक है सो ये था आपका स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है एंड अभी हम आगे मूव कर लेते हैं एंड देख लेते हैं इस पी डी एफ में और क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें एज की तो एज आपकी रहने वाली है यहाँ पर एटीन टू फोर्टी फाइव ईयर्स के बीच में इसके अलावा यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है फाइव ईयर्स का तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी के हैं तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है ठीक है सो ये हो गया एज के बारे में इसके अलावा यहाँ पर आपको जो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो सारा का सारा आपको इसमें ऑनलाइन ही रहने वाला है यहाँ पर यूज़र आई एंड पासवर्ड आपको ध्यान से रख लेना है क्योंकि इसी का आपको बार बार यूज़ आने वाला है एंड साथ में जो भी डिटेल्स भरेंगे वो बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए क्योंकि कि किसी भी तरह की अगर मिस्टेक होगी उसमें तो वो आपका फॉर्म सीधे से ही रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं एंड उनके बारे में भी देख लेते हैं सो यहाँ पर क्या हुआ है आपकी वैकेंसीज यहाँ पर लिखी हुई हैं उसके अलावा यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज हैं वो आपकी इंक्रीज भी हो सकती हैं और डिक्रीज भी हो सकती हैं ठीक है ठीके? तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है ये आपकी इंक्रीज भी हो सकती है या आपकी डिक्रीज भी हो सकती है ये इसमें कोई भी फिक्स नहीं है कि जो वैकेंसीज़ यहाँ पर बताई है उतनी ही रहेंगी ये आपके रिज़ल्ट पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से वैकेंसीज इंक्रीज़ होंगी या डिक्रीज़ होंगी ठीक है तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर और चीज़ों के बारे में देख लेते हैं और right. यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियरली लिखा हुआ है कि जितने भी आपके हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स होंगे बेसिकली वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट इफ़ ही और शी हैज़ पास्ड मेट्रिकुलेशन एंड ट्वेल्थ फ्रॉम एनी स्कूल और इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश प्रोवाइडेड दैट दिस कंडीशन शैल नॉट बी अप्लाइड टू बोनाफाइड हिमाचलीस सो यहाँ पर जो बोनाफाइड हिमाचलीस होंगे उनके लिए ये आपका जो कंडीशन है ये अप्लिकेबल नहीं रहेगी इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स आपके टेंथ या ट्वेल्थ जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के इंस्टीट्यूट या कॉलेज से किया है तो बस वही कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो सीधा सा आपका यही है जितने भी आपके हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल होने वाले हैं ठीक है सो ये हो गया इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो कुछ वैकेंसीज हैं कुछ आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है कुछ आपकी रेगुलर बेसिस पर हैं ठीक है so, सो अगर हम बात करें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी वैकेंसीज हैं लेकिन अगर हम स्पेशली फ़ोरेंसिक साइंस की बात करें तो फॉरेंसिक साइंस की यहाँ पर आपके सामने टू पोस्ट हैं फ्रेंसिक साइंस की यहाँ पर आपके सामने दो वैकेंसीज हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोरेंसिक साइंस की टू वैकेंसीज़ हैं एंड ये आपकी सारी की सारी जनरल कैटेगरी की हैं इसमें किसी भी तरह का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है दो पोस्ट हैं दोनों जनरल कैटेगरी के लिए ही हैं ठीक है सो तो ये आपकी दो वैकेंसीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इसके अलावा कुछ आपकी रेगुलर बेसिस पर हैं तो आगे चल के देख लेते हैं कि क्या है आपकी रेगुलर वैकेंसीज ठीक है तो यहाँ पर और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं तो अगर आप चाहें तो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन हम स्पेशली यहाँ पर फोरेंसिक साइंस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके लिए मैं सिर्फ फ़ोरेंसिक साइंस का ही यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ ठीक है तो जिस तरह से आप देख सकते हैं ये वाली आपकी रेगुलर वाली वैकेंसीज़ हैं तो यही रेगुलर में ही आपकी फोरेंसिक साइंस की भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं तो अगर हम फोरेंसिक साइंस की वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जैसे कि पहली आपकी वैकेंसी है फ्रेंसिक सर्विसेज हिमाचल प्रदेश में लेबोरेट्री असिस्िस्िस्िस्टेंट डीएनए की ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही है ये भी आपकी स्पेशली रेगुलर नहीं है ये आपकी रेगुलर बेसिस के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है ठीक है सो ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही है एंड यहाँ पर आपकी लैब असटेंट डी की वेकेंसी है यह आपका पोस्ट कोड एट है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दो वेकेंसी हैं लैब असिस्टेंट वॉइस एनालिसिस के लिए वन वैकेंसी है एंड साइंटिफिक असिस्टेंट फ्रेंसिक साइकोलॉजी दैट इज़ लाई डिटेक्टर के लिए आपकी वन वैकेंसी है एंड साइंटिफिक असिस्टेंट डीएनए के लिए ये आपकी दो वैकेंसीज़ हैं एक तो यहाँ पर ये यह आपके सामने इतनी सारी ये वाली वैकेंसीज हो गई ये आपकी टोटल हो जाती है टू वन वन टू दैट इज़ ए टोटल आपकी जो है वैकेंसीज हैं ये आपकी सिक्स वैकेंसीज हैं ठीक है सो so ये हो गई आपकी इसके अलावा यहाँ पर ये यह आपका जो पोस्ट कोड है एट फिफ्टी एट फिफ्टी वन एट फिफ्टी टू एंड एट फिफ्टी थ्री ठीक है सो इसी के अकॉर्डिंग अभी हम आगे देखेंगे कि आपके जो रिटर्न टेस्ट है वहाँ पर क्या आने वाला है ठीक है सो एक तो ये आपकी वैकेंसीज हो गई इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी वैकेंसीज़ हैं वो आपके सामने यहाँ पर हैं यहाँ पर क्या है ये आपकी लैब डिटेक्ट, लैब असिस्टेंट आपकी डिजिटल फोरेंसिक्स में है ये आपकी एक वैकेंसी है एंड साइंटिफिक असिस्टेंट वॉइस एनालिसिस की फील्ड में है ये भी आपकी वन वैकेंसी है ठीक है सो ये आपकी इतनी टोटल वैकेंसीज हैं दैट मीन्स टोटल आपके सामने एट वैकेंसीज हैं फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अभी हम इनका देखेंगे कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है ये जो आपका पोस्ट कोड है इसके बेसिस पर ही रहने का ठीक है तो आगे देख लेते हैं एंड यहाँ पर अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने इसेंशियल qualifications लिखी हुई हैं एंड यहाँ पर हम जल्दी से मूव कर जाते हैं 850 के आसपास so यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमने सबसे पहले 850 नंबर की बात करी थी तो 850 पे थी हमारी लैब असिस्टेंट डी की तो यहाँ पर आपसे मांगा गया है जो बैचलर्स डिग्री होगी आपकी फोरेंसिक साइंस की फील्ड में इसके अलावा और बहुत सारी फील्ड हैं जैसे कि मोलिकुलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी तो वो सारा आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा तो उनका जो बैचलर्स है वो सेकेंड क्लास डिग्री से क्वालिफाई होना चाहिए उसके अलावा कैंडिडेट चायल्ड भी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट इफ़ ही और शी हैज़ पासड मैट्रिकुलेशन और ट्वेल्थ एग्जामिनेशन आपका जो भी रहेगा वो आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश होनी चाहिए ठीक है तो ये वही लाइन आपकी रिपीटेड है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था इसके अलावा 851 की बात करें तो यहाँ पर लैब असिस्टेंट वॉइस एनालिसिस के लिए जो आपका बैचलर से सेम वही है सेकेंड डिग्री की में आपका एटलीस्ट होना चाहिए फोरेंसिक साइंस की फील्ड में एंड बाकी सारी सेम चीज़ें कि आपका हिमाचल प्रदेश के कॉलेज से आपने किया हुआ होना चाहिए ठीक है तो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट फोरेंसिक साइकोलॉजी के लिए थी तो यहाँ पर आपका ट्वेल्थ होना चाहिए वही सारा हिमाचल प्रदेश के यूनिवर्सिटी से होना चाहिए सेकेंड है आपका जो आपका मास्टर्स डिग्री यहाँ पर आपसे मांगी गई है कि आपका यहाँ पर मास्टर्स होना चाहिए साइकोलॉजी या फिर फोरेंसिक साइकोलॉजी या फिर फोरेंसिक साइंस में वो भी आपका सेकेंड क्लास में एटलीस्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आपका इसके साथ साथ जो आपका बैचलर्स रहेगा फोरेंसिक साइंस फोरेंसिक साइकोलॉजी इस फील्ड में आपका सेकेंड डिग्री से होना चाहिए एंड टू इयर्स का आपके पास एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी लैब या इंस्टीट्यूट से या तो आपके पास ये होना चाहिए ये होना चाहिए या तो आपके पास इन दोनों ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए तो आपके पास ये है तो भी आप एलिजिबल हैं आपके पास ये है तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए ठीक है नेक्स्ट हम बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट डी एन की फील्ड में तो यहाँ पर आपका ये वाला तो सेम वही रहने वाला है इसके अलावा आपके पास सेकेंड डिग्री सेकेंड क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में या फिर आपके पास सेकेंड क्लास का बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में एंड टू इयर्स का एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर भी सेम वही या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री हो या तो फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री हो विद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है तो ये हो गया एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने दो और वैकेंसीज थी उनके बारे में देख लेते हैं सो तो यहाँ पर क्या है जो आपकी सेकेंड थी लेबोरेटरी असिस्टेंट इन डिजिटल फोरेंसिक्स में तो वहाँ पर भी आपका ये तो सेम वही रह रहा है उसके अलावा वही आपका सेकेंड डिग्री में बैचलर्स डिग्री फोरेंसिक्स साइंस की फील्ड में होना चाहिए उसके अलावा सेकेंड क्लास बी ई बी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आईटी एंड ये सारी चीज़ों में अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल होंगे एंड यहाँ पर आपके साथ में अगर आपके पास ये है तो उस कंडीशन में आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में तभी आप एलिजिबल होंगे अदरवाइज आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री है फॉरेंसिक साइंस की फ़ील्ड में तो उस कंडीशन में आपको इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी ठीक है तो ये हो गया इसके अलावा हमारी जो लास्ट वैकेंसी थी तो वो वैकेंसी थी हमारी साइंटिफिक असिस्टेंट वॉइस एनालिसिस की फील्ड में तो यहाँ पर आपके सामने आपके पास एटलीस्ट सेकेंड क्लास का मास्टर्स डिग्री का कोर्स होना चाहिए फिजिक्स मैथमेटिक्स या फिर फोरेंसिक्स साइंस में इसके अलावा एक साल का आपके पास मास्टर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिसर्च ट्रेनिंग एंड एनालिटिकल वर्क में इन वन ऑफ द एबव एलाइड सब्जेक्ट जो आपके सामने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एनालिटिकल वर्क का इस कंडीशन में आप रिसर्च वर्क आपका काउंट किया जाएगा जो आपकी पीएचडी डिग्री होती है उसको भी इसमें काउंट किया जाएगा टोटल एक्सपीरियंस में ठीक है उसके अलावा जो आपके कैंडिडेट होंगे कैंडिडेट शैल भी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट वॉइस एनालिसिस इफ़ ही और शी पास्ड मिडिल और मैट्रिकुलेशन वही सारा है आपका कि आपका हिमाचल प्रदेश ही क्वालिफाई होना चाहिए तो उसी कंडीशन में आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो सीधा सा यहाँ पे है कि जो भी हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही लोग इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे ठीक है तो यहाँ तो हो गई एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी की बात ही क्या क्राइटेरिया है आपका क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है ये तो हो गया आपका बेसिक सी चीज़ें एंड इसी में अभी हम आगे और मूव करते हैं एंड यहाँ पर अगर हम बात करें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की तो डिज़ायरेबल में यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है एट्टी टू टू एट फिफ्टी एट ठीक है एट ट्वेंटी टू से एट फिफ्टी एट तो आपकी जो पोस्ट कोड था वो आपका इसी के बीच में था एट फिफ्टी से लेकर के एट फिफ्टी सिक्स था ठीक है तो उस कंडीशन में आपके पास होना चाहिए नॉलेज ऑफ कस्टम्स मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द पेक्यूलर कंडीशन प्रिवेलिंग इन प्रदेश ठीक है तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तो वही चीज़ें बार बार घुमा फिरा के कही जा रही है कि अगर आप हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट हैं उसी फी, उसी कंडीशन में आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्या, यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो किस तरह से होगा सिलेक्शन तो आपका 85 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल 85 मार्क्स का जो एटीफा टेस्ट होगा वहाँ पर आपके 170 MCQs आएंगे एंड हाफ नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा तो टोटल मार्क्स मार्क्स आपके बन जाते हैं ठीक है ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा रिटर्न टेस्ट होगा ये आपके एमसीक्यूज हैं बेसिकली इसके अलावा आपका बाद में रहेगा 15 मार्क्स का सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन ठीक है तो यहां पर देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा क्या क्या जाने वाला है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका पोस्ट कोड था वो आपका 850 से लेकर के 856 तक था ठीक है तो 845 फोर्टी फाइव टू एट ये सारा का सारा आपका आपकी वाली पोस्ट में ही है तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा जहाँ पर वन सेवेंटी एम सी क्यूज़ आएंगे एंड ये जो क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट और फील्ड से कंसर्न होंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग वही सारे क्वेश्चन आपके आएंगे यानी कि बेसिकली फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एंड स्पेशली जिस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए है तो उस ब्रांच से क्वेश्चन आएंगे उसके अलावा ये आपके 120 ट्वेंटी क्वेश्चनस होंगे उसके अलावा जो 50 क्वेश्चनस होंगे वो 50 क्वेश्चन आपके इंक्लूडेड रहेंगे जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड करेंट अफेयर्स एवरीडे साइंस लॉजिक सोशल साइंस जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी एंड मैट्रिक स्टैंडर्ड ठीक है तो यहाँ पर बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें जो टेंथ के स्टैंडर्ड की होती हैं वही सारी आने वाली हैं बाकी करेंट अफेयर्स आएगा जनरल नॉलेज आएगी हिमाचल प्रदेश की तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं ठीक है सो ये हो गया आपका पूरा का पूरा रिटर्न टेस्ट के बारे में एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उसके बाद में उनका क्या क्राइटेरिया रहेगा कि उनके बाद में उनका क्या होगा सो so, आपके पार्ट वन की बात तो हमने कर ली कि वहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट होगा अब हम बात कर लेते हैं पार्ट टू की तो पार्ट टू जो है आपका इवेलुएशन है फिफ्टीन मार्क्स का यहाँ पर क्या होगा इवेलुएशन ऑफ फिफ्टीन मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आफ्टर क्वालिफाइंग रिटर्न सब्जेक्ट रिटर्न ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट एंड स्किल टेस्ट बेसिकली आपका रिटर्न टेस्ट ही होना है जो आपके इफ़ एनी विल बी कैरीड आउट एज़ पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया सो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनके बाद में उसके बाद में उनका जो है ये जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो आपके देखे जाएंगे उसके बेसिस पर ही आपके फिफ्टीन मार्क्स रहेंगे ठीक है so, सो यहाँ पर ही सारे के सारे सर्टिफिकेट्स हैं कि किस तरह का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए तो अपने अकॉर्डिंग ये पढ़ लीजिएगा ये कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं ये बेसिकली आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा जो भी हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए स्पेशली हैं तो उनके पास ये सारा का सारा सर्टिफिकेट्स होने चाहिए तो उसी के बेसिस पर आपके फिफ्टीन मार्क्स का इवेल्यूशन होगा ठीक है तो इसलिए आपके पास ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग इनको देख लीजिएगा ठीक है तो यहाँ पर आपके सारे के सारे मैंने जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपको दे दी है उसके अलावा यहाँ पर आपका कुछ रिजर्वेशन भी होगा फ़ीमेल कैंडिडेट्स का एंड बाकी सारे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आप उनको देख लीजिएगा यहाँ पर बेसिकली आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह से फिल करना है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है जो आपकी फ़ोटो का साइज़ होगा जो आपके सर्टिफिकेट्स का साइज़ होगा वो सारा का सारा आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है थर्टी के बी से कम होना चाहिए एंड जो आपकी स्कैंड सिग्नेचर का साइज़ होगा वो फिफ्टी के बी से होना चाहिए इस तरह से आपका पूरे की पूरी डिटेल्स हैं यहाँ पर तो किस तरह से आपको फॉर्म भरना है वो सारे के सारे यहाँ पर लिखी हुई हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ठीक है फिर अगर में आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आपका फी स्ट्रक्चर रहने वाला है ठीक है तो आपका सबसे पहले तो जो आपका फी का पेमेंट होगा वो आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ऑफलाइन पेमेंट नहीं है वह सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही होगा उसके अलावा फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर है जनरल कैटेगरी का ये है एंड फिर ये इन सारे लोगों का वन ट्वेंटी है फिर एस सी एस टी एंड जितनी ये सारे कैटेगरीज के हैं तो उनका वन ट्वेंटी है इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं एक्स सर्विसमैन हैं ये सारे लोग हैं तो उनको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट का फी का पेमेंट नहीं करना है ठीक है वो इस फ़ीस से एग्जेम्प्टेड हैं ठीक है तो ये हो गया आपका सारा का सारा फीस के बारे में कि फ़ीस आपको किस तरह से सबमिट करनी है एंड यहाँ पर जितनी भी आपके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी है यहाँ पर इसके अलावा एक और पॉइंट है नो सेपरेट इंटीमेशन इन दिस रिगार्ड विल बी सेंट बाई पोस्ट मतलब किसी भी तरह का आपको पोस्ट से नहीं भेजना है सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन भेजना है सारे के सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर रहेगा इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट लिखी हुई है आप इस वेबसाइट से डायरेक्टली जा सकते हैं ये जो आपकी पीडीएफ है ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फेसबुक पेज पर मिल जाएगा ठीक है तो वहाँ से आप डायरेक्टली इस पीडीएफ को ले सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर आपको किस तरह से फॉर्म के लिए अप्लाई करना है तो उसके बारे में भी अभी हम देखेंगे एंड जो लिंक है वो फॉर्म का कि किस तरह से कहाँ से जाके कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है तो वो लिंक भी आपको इन्हीं सारी जगह पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल फेसबुक पेज एंड जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा एंड कमेंट सेक्शन तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी वहाँ से बेदेक्ट जाकर फिल कर सकते हैं तो यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा पोस्ट नहीं आने वाला है ये सारी की सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एंड सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट्स तो यहाँ पर सर्टिफिकेट के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो ये भी आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं होगा सीधा साहब सब कुछ सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है यहाँ पर तो यहाँ पर सारी की सारी मैंने डिटेल्स दे दी हैं एंड अभी हम यहाँ पर मूव करते हैं एंड देख लेते हैं कि जो आपका अप्लाई करना है वो आपको किस तरह से अप्लाई करना है इस फॉर्म को ठीक है तो अभी हम आ चुके हैं एच पी एस एस सी की वेबसाइट पर एंड यहाँ पर आते ही आपको सबसे पहले नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है एंड जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक अप्लाई ऑनलाइन का लिंक तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये इतना बड़ा सा पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पर ये वैकेंसीज़ की डिटेल्स लिखी हुई हैं एंड यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंसिक सर्विसेज़ की यहाँ पर आपके सामने ये सारी की वैकेंसीज़ के बारे में भी लिखा हुआ है ठीक है एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो इनकी लास्ट डेट है यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ये आपकी लास्ट डेट है एंड ये सभी में थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर दैट मीन सिंपल सा है कि ये जो वैकेंसीज हैं इनका जो टाइम था वो एक्सटेंड कर दिया गया है ठीक है तो यहाँ पर जितने भी फोरेंसिक सर्विसेज़ किए हैं देख सकते हैं सभी में आपका जो लास्ट डेट है थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर हो चुका है ठीक है एंड यहीं पर हम सबसे ऊपर जाके देख भी लेते हैं कि यहाँ पर ये आपका लास्ट डेट ही है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट डेट लिखा हुआ है यहाँ पर एंड ये आपका पब्लिश डेट है एंड यहाँ पर डिपार्टमेंट था ठीक है तो वही सारी चीज़ें मैंने आपको नीचे से दिखाई दी एंड वही सारा मैंने आपको ऊपर भी एम दिखा दिया है ठीक है तो यहाँ पर आते ही आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है सीधे यहाँ पर करना है क्लिक हीयर टू अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आपको यूज़र नेम डालना होगा आपको पासवर्ड डालना होगा एंड यूज आपका कैप्चर लिखा है कैप्चर टैक्स डालना होगा एंड टैक्स डालने के बाद में यहाँ से आपको सबमिट कर देना है एंड फिर वही सारी बेसिक सी डिटेल्स होंगी आपसे मांगी जाएंगे कि आपको किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है एंड बाकी आपका नाम होता है एंड बाकी सर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको वहाँ पर फिल कर देनी होगी एंड सिंपल सा आपका जो फॉर्म होगा वो आपको सबमिट करके पेमेंट वगैरह करके आपका फाइनली फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा देन जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसके लिए आपके पास एक टेस्ट टेक्स्ट भी आ जाएगा एग्ज़ाम से पहले जो भी आपका जब एडमिट कार्ड आता है फिर आप उसको डाउनलोड करके आप एग्ज़ाम देने जाएंगे एंड बाकी का जो भी प्रोसीजर होगा आप उसको फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू द पीडीएफ ठीक है तो ये सारी जो आपकी पी है जो आपका लिंक है वो सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हैं उसके अलावा टेलीग्राम पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड यहाँ पर बेसिकली सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दिया है कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है क्या क्या इसमें रहने वाला है कितनी पोस्ट है क्या क्राइटेरिया है आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा बस टाइम का बहुत ध्यान रखेगा टाइम बहुत ही कम है आपके पास आज आपकी डेट हो चुकी है ट्वेंटी सेवन ऑफ अक्टूबर एंड थर्टी फर्स्ट आपकी लास्ट डेट है तो वहाँ तक आपकी डेट का बहुत ही खास ख्याल रखते हुए आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें एंड आई थिंक आज ट्वेंटी एट ऑफ अक्टूबर है ट्वेंटी सेवन नहीं है ट्वेंटी एट ऑफ अक्टूबर है तो इस वजह से आपके पास बहुत ही कम टाइम है बेसिकली टू टू थ्री डेज़ बचे हुए हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा ठीक है so, सो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी आपके कैंडिडेट आपके सारे फ्रेंड्स हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंच जाए सभी को पता चल जाए कि कितनी सारी वैकेंसीज हैं एंड वो लोग एलिजिबल हो सकते हैं तो जो भी कैंडिडेट्स फोरेंसिक साइंस के हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए एंड इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो इसके लिए शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वैकेंसी की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं तो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम एंड फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ से आप देख जा सकते हैं एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर